ते वी त्रिशोल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं आप हर की खिदमत में असल वरह वरकता हू नमस्कार राम राम खुद मेदा आज फिर आपके लिए ताज़ा खबरें हम आपके सामने रखने वाले हैं मतलब ये है कि सरनामी न्यूज़ दखबला सूरीनामा से हम आपके लिए निकाल रहे हैं बीफे है जुलाई की चौदह तारीख़ आप हर एक को याद की जाती है खुशियाँ हैं आपके लिए तो मुबारकबाद बधाइयाँ हैं और गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक है और ज़रा से आपको बता दें कोर्स के लिए तो सबको हमारे देश में जितने लोग होते हैं सब जानना चाहते हैं और जानना भी ज़रूरी है इस कोर्स है यूएस डॉलर का शेफ़ आख्तैर तक और एरो का आख्त शेफन तीन है दोस्तों आपको बताई जाती है आप जिस तरह से जानते हैं तो ये हफ्ता जो है या ये आ, जो महीना है इसमें बहुत से स्कूल एग्ज़ाम बना रहे हैं और ए वगैरह भी बन रहा है बच्चों का और आपको बताई जाती है कि स्कूल इस्कूल अमीन का जो है यहाँ पर बहुत सी बच्चे यानी कि लेर लंगन जो है फे वी ओ और हाफू का और अपना मेहनत मशक्कत करने के बाद कामयाबी हासिल किए हैं और वो सलाख हुए हैं जिस तरह से देखा जाता है अखबार के ज़रिए तो ज़रूर माँ बाप भी बहुत खुश है तमाम बच्चे जो कामयाबी हासिल किए हैं इन लोगों की काम से आपको ये बताई जाती है कि फे वे ओ आ, की लेर लंगन जो हुआ पर अपना एग्ज़ाम वगैरह बनाए हैं तो करीबन सैसन फाइव तक प्रोसन कामयाबी हासिल किए हैं और हाफ ओ निफ़ो यानी हाफ ओ के जो बनाए हैं तो करीबन शीफन सैस तक प्रोसेंद यहाँ पर कामयाबी हासिल किए हैं और बहुत खुशी की बात कि इतनी ज़्यादा लोग कामयाबी हासिल किए हैं फॉल्स यू एस डॉलर एंड एरो बिलियत इन अमलो बताई जाती है कि इन दिनों में जहाँ पर हमारे देश के हालात इतना मुश्किल है और मुसीबत में हैं बहुत से लोग तो लोग अब हर तरह से कोशिश करते हैं की कामयाबी हासिल करें यानी कि जिस तरह से भी हो सके अपना कामयाबी हासिल करने के लिए मतलब ये है कि जो इन लोगों की इख्तियार में होता है जिस तरह से भी हो सके ये कानूनी तौर पर या बगैर कानूनी तौर पर सच्चाई के रूप में या तो बेईमानी के रूप में कोशिश करते हैं पैसा हासिल करने के लिए और इस तरह से बताई जाती है कि एक आदमी बहत्तर साल का तुवेफियार का इतना बड़ा उम्र का होते हुए ये आदमी हो सकता है कि शायद नहीं मालूम था जिस तरह से ये बता रहे हैं छः हज़ार यू एस डॉलर ले गया स्टोर करने के लिए अपना रिकनिंग पर बैंक में तो वहाँ पर बैंक वाले जो काम करते हैं तो बहुत चलाक लोग होते हैं तो ये मालूम पड़ा उन लोगों को कि यह तमाम जो पैसा है नकली पैसा है ज़्यादा तौर पर तमाम नहीं लेकिन आधा से ज़्यादा नकली यू एस डॉलर थे नकली पैसा थे तो ये आदमी से जब पूछताछ की गई तो ये आदमी बता रहा है कि श्रीनाम के अंदर और विदेश में ये आदमी बहुत सी काम किया है और अपना पैसा ये बतौर कर इकट्ठा करने के बाद ये फैसला किया अब कि ले जाकर बैंक में स्टोर करने के लिए तो ये आदमी को अब पकड़ कर बंद कर दिया गया है यानी पूछताछ करने के लिए ओपम्बार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तो ये आदमी को अब बंद कर दिया गया है और इसी तरह से बताई जाती है कि एक आदमी एक पचास एरो लेकर गया काम के पास इसको तुरवाने के लिए और वहाँ पर ये पता चला कि ये पैसा भी नकली है और वहाँ पर लोग भी सिपाही को इतला किए सिपाही आए तो पता चला ये आदमी जो 25 साल का ई एस है ये आदमी बता रहा है कि ये काम किया है और जिसका काम किया तो वो उसको पैसा दिया था यानी कि उसको भरा उनके काम के लिए और ये सोचा कि लाकर तुरवाने के लिए तो अब यहाँ आकर पता चला कि यह नकली पैसा है तो ये आदमी को भी अब पूछताछ की जा रही है आगे चलकर आपको बताई जाती है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो होता है तो मिनिस्ट्री ओपम मिनिस्ट्री जो आंदर का है इसको पाँच दिन की मोहल्लत दिया था इन लोगों के जवाब देने के लिए और ये है यानी कि जो पैसा भरना पड़ेगा जो आ, आ, क्या कहते हैं उसको जो पैसा है स्कूल के पैसा जो होता है स्कूल की पैसा फ़ीस जो होता है भरने के लिए तो इसके सिलसिले में अच्छी तरह से बताने के लिए और ख़त के ज़रिए ऑफ़ आनंदरवेज जो है इन लोगों को यहाँ पर यह ख़त लिखा था जवाब पाने के लिए ताकि ऑफ़ आंदरवेज जो है इन लोगों को जवाब दे कि जो आ, स्कूल का फ़ीस लगता है स्कूल का पैसा लगता है तो कितना होगा किस तरह से होगा ये लोग जानना चाहते पाँच दिन की मोहलत दिया था और पाँच दिन इत्मीनान से ये लोग आराम से इंतज़ार किए और ये पाँच दिन अब गुज़र गया है तो ये लोग यानी कि बहुत इज्जत के साथ इंतज़ार इज्जत के साथ इन लोगों से खत भेजा और इज्जत के साथ ये लोग चाहते थे कि इन लोगों के भी जवाब मिले लेकिन अब कोई जवाब अभी तक नहीं मिला और ये लोग अब फैसला किए अपना अक्सी करने के लिए किस तरह से रहेगा तो ये लोग अब बताएंगे कि इन लोगों का अक्सी किस तरह से रहेगा और पूछताछ करने के बाद डकबला सूरी नाम से नेशनल यू पार्लियामेंट का फोरसटर प्रिया सिताल ये बात बताई है और अब ये लोग अपना अक्सी करने वाले हैं द्वारका भैया जो है यानी कि ये दयानंद द्वारका जी फाक लेदर जो है और ये है आ, बकोफ अरबैद का यानी कि बकोफ़ का निकेरी में जो है तो इनका फॉक लेदर है और पर्टिकुलर सेक्टर में जिस तरह से प्रेसिडेंट के ज़रिए यह वादा दिया गया था हेफिंग के लिए तो ये लोग अभी तक इंतज़ार कर रहा है यानी कि मार्च महीना में ये वादा दिया था और अभी तक ये लोग इंतज़ार करें ये वादा बस उसी तरह से रह गया और जितना वादा होता है ज़्यादा तौर पर तब आप जानते हैं सभी वादा ही रह जाते हैं हकीकत में कुछ नहीं बदला जाता है और जब भी लोग बोलते हैं कि जिस तरह से ये कोर्स की पैसा की बात होता है यानी कि कोर्स की सिलसिले में बात हुआ है जब कहते हैं कि नीचे आएगा तो भैया और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है न न जाने क्या सबब है लेकिन जो उसका दूसरी तरफ़ की बात होता है यानी दूसरी रंग की बात होता है हकीकत जो होता है वो कभी सामने नहीं आता है लेकिन हमेशा कोई दूसरा तरीका हो जाता है यानी कि जब भी कहा जाता है कि कोर्स उतरेगा तो कोर्स चढ़ जाता है और यह गया दिन भैया भी यही बात बताए हैं गया दिन फ्रीज दा कोस कोर्स यू एस फोर्स दास यानी कि जिस तरह से जो प्रेसिडेंट वादा दिया है और कितनी बार भी वादा कर चुका है अगर आपको शायद अभी तक होश होगा ज़रा से आप याद करने की कोशिश करो तो याद होगा आपको कि कुछ महीना पहले भी यही बात कहा था कि खलुफ में ही एक जल्दर फोर्स और कंदा दूस और मुलाकात तो क्या हुआ चढ़ गया तो शायद इस बार इसीलिए हकीकत में जिस बार जितनी बार ये कहता है कि उतरेगा तो चढ़ता है तो शायद इसी दर से भैया गया दिन ये बात बता रहा है और शायद हकीकत भी बता रहा या सच्चाई भी है इसमें कि इनका डर है कि कोर्स गिरने की बजाय अब और चढ़ जाएगा तो भैया द्वारका जी ये भी बता रहा है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट वादा दिया था कि हैफ़िंग के लिए यानी कि ब्लास्टिंग हैफिंग के लिए जहां पर इतना ज़्यादा लोगों को पैसा लगा है यानी कि ए बी एस स्ट्रोंग पानी वगैरह के लिए तो वहाँ पर लोगों के लिए और फ़ायदा होगा कि ब्लास्टिंग हैफ़िंग लोगों को मिले ताकि उन लोगों के फ़ायदा में हो तो सिर्फ दिखाई में आया है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों को सिर्फ हैफ़िंग दिया गया है और जो पर्टिकुलर सेक्टर होता है वहाँ पर जहाँ पर मजदूर काम करते हैं उन लोगों को भी हक बनता है यानी कि ब्लास्टिंग हैफ़िंग फ़ायदा होने के लिए लेकिन ये नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ झूठी बातें हैं न सिर्फ़ या एक तरफी बातें होता है या एक तरफी बातें होता है तो ये नहीं होना चाहिए आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है दोस्तों फॉर दख्त मैथ मैस इन दं वारित अख्तर हालन एक आदमी अपने एक्सप्रिंदेन को यह धमकी दिया छुरी लेकर सच्चाई जानने के लिए जब जज के सामने पेश हुआ तो रिबेन एयर उनचास साल का ये बता रहा है कि हमारा इदारा नहीं था इनको ए, कुछ खून खराबा करने के लिए यानी कि इनको चोट पहुंचाने के लिए लेकिन सिर्फ धमकी के साथ सच्चाई जो है जानने के लिए कि इनका संबंध कोई किसी और के साथ है या नहीं है तो अब ये मामला जो है अगस्त की 22 तारीख को फिर जज के सामने पेश होगा अब देखा जाएगा कि क्या नतीजा निकलता है हरियत रामदीन बहुत से तंद लोग तय कर दिल खरेब दूध तो रामदीन बोल रही है कि बोतर से एक ऐसा अब बाघ बन गया है जिसका दांत नहीं है और आखिरी हमला करने की कोशिश कर रहा है न आखिरी हमला ये करने की कोशिश कर रहा है लास्ट खरेप यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रहा है कहती है अन तेगर जौंदन दिजें लास्त खरेब दुत ओम जेक्तानदत होदन जो अलस्तरे पोलिका हरियत रमदीन केरी कहता एक बाग जिसका दांत अब सब झर गया है अब आखिरी शिकार करने की कोशिश कर रहा है तो शिकार कहाँ से कर पाएगा हमेशा यही बात होता है हरियत रमदीन बता रहा है कि जितनी बात यह आदमी बोलता सभी में झूठ है और इनका यकीन जो है ये इनका यकीन इसके ऊपर से यानी कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर से कितने सालों पहले उठ गया था इन हेम एस आलियारन ख़लीदन ज़ुक रामदीन बना प्रेसिडेंट बनाड उन्नफराक दार है जैलो ख़लोफ यानी कि ऐसी ऐसी बातें आदमी बोलता है इतनी झूठ बातें जिसमें इनको भी ख़ुद ब खुद कोई यकीन नहीं होता है तो भैया किस तरह से और यकीन करे जोन फ्राक़ कानस अन नीख नसीमत यार फादर एक सैंतीस साल का जॉनी हा बुध को जज के सामने पेश हुआ रॉबर्ट पराग के सामने और ये बता रहा है नीख नसीम तक यार यारसन तुन तार तो हैबन में मसानदल यानी कि अपने बाप का मिसांडल किया है मारा पीटा है शर्म नहीं आता इससे लोगों को जो बाप पोस पाल कर बड़ा किया है तो अब बाप से ये क्षमा मांग रहा है और बाप से ये गुजारिश करता कि आखिरी मौका देने के लिए बाईस की अगस्त की बाईस तारीख ये समस्या फिर जज के सामने पेश होने वाले हैं अब देखो क्या होता है आपको बताई जाती है क्रिमिनल खवापन में धोवर रखता सुवैक यानी कि एक आखतंत यार कि वेंकलीर अपने दुकान के सामने इंदिरा गांधी वैक में जब आया वहाँ पर कटलिस लेकर जब मोटर गाड़ी से निकला तो क्रिमिनल दाकुल लुटेरा इनको लूटा है सरे तीन हज़ार एस एस दी दो हज़ार अस्सी यू डॉलर और अट्ठारह सौ एरो इतना ज़्यादा ज़्यादा पैसा लूट कर ये लोग चले जाते हैं बहुत सहल हो गया कटलिस लेकर खड़े हो जाओ जब आया जिसका कारोबार होता है उसके गले पर रख दे या धमकी दे व, बस लूट कर चले जाए इतना सहल हो गया भैया देखो इसलिए कि लापरवाही न लात खेज न लात खेज क्रिमिलेन अपना काम कर रहा है दाकू लुटेरा इन लोगों का जो मिनिस्ट्री ये लोग तैयार किए हैं अपना मिनिस्टरी के बल पर और अपना बल जो इस्तेमाल किए हैं तो देखो कितना अच्छा तौर और तरीके से ये लोग काम करते हैं और मिनिस्ट्री जो इन लोगों को बंद करना चाहिए सजा देना चाहिए इन लोगों को हाथ गोर तोड़ देना चाहिए या दुनिया से उठा देना चाहिए वो मिनिस्ट्री कुछ नहीं करता सिर्फ़ लोगों को ना सिर्फ़ लोगों को दुश्मनी लोगों के साथ सजाने की और बसाने की और करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं वहाँ से कोई मदद जनता को नहीं मिलता है पौसरजेंदर एन फर्सरा कर इन खसलोता जो पोस्ट भेजाया है और जो पोस्ट पाया है न ना? तो नार का ब्रीखाद अरविंद का को पकड़ा है न और इनको पकड़ कर अब जुलाई जून महीना में ये आदमी कोशिश किया है पौष बजरे पारिबो से भेजाने के लिए और दुआ न फिर होंद फिर फिर को का पकड़ा इनके पास मिला है तो जो पोस्ट जंदर है यह कहता है राजकुमार का पचास साल का इनके हुक्म के मुताबिक ये काम किया है तो बाप और बेटा दोनों अब पकड़ा गया है सेल है इसमें वहाँ पर अब गुफ्तगु -गुफ्त कर रहे होंगे कि आगे चलकर किस तरह से फिर भेजाएंगे ना हो सकता है देना स्तार्थ फंदाक बहंदलिंग वेद कॉन्स्टिट्यूशनियल यानी कि देाना आज इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के बारे में जो अब ऐसा लगता है कि इतना अहम हो गया है कि इसको होना ज़रूरी कायम करना ज़रूरी है इन दिनों में यही बात तो होता है तो अब देखो क्या होता है कौन सी फैसला लिया जाता है क्रिमिनेलन ऑफ मार्क माकन फोर्स बदरा बैज यानी कि बरोफिंग ब्रांफि पर अब देखो इतना साज ब्रोफ़िज पर लूट लेते हैं लोगों को ब्रोफिट चलाते हुए तो लूटा जाता है और हमारे देश की जनता तीस हज़ार एस एरदे छः हज़ार यू एस डॉलर एरोफेर तिन और ये दोनों आदमी ब्रोफिज पर होते हुए एक आदमी को लूटा है इतना ज़्यादा पैसा न जाने ये लोग सूंघते हैं इन लोगों की नाक जैसे स्प्योर हों कुत्ता की तरह होता सूंघ लेते हैं और जाकर लूट लेते हैं लूट कर चले जाते हैं मज़ा लूटते हैं कोई कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये मीनी जो है जिनको चाहिए इन बातों पर ख्याल करने के वो मीनीरी तो सो गया है सो गया गहरा नींद में है तो इसलिए कुछ नहीं होता भैया आप बच कर रहना अपने आप को संभालो कोई आपको हिफाज़त नहीं देगा सुरक्षा नहीं देगा अपने आप को आप कोशिश करो हिफाजत करने के लिए अपने बच्चों को अपने परिवार को दोस्तों जितना खबरें अहम था हम आपके सामने रखे हैं और जो आपके लिए अहम हैं तो आप ले लेना जो नहीं है तो प्रोलबाक में डाल देना और मुझे आप इजाज़त दो शुक्रिया राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा हाफिज़ नमस्कार असलमकुम खुद मदद